सो ठीक है, सो बैक टू इस संदेश यू गाइस डूइंग वेल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शाम में फिर तो भी गाड़ी हमारी निकली है मॉर्निंग राइड पे। इस ये रेडी है हमारी गाड़ी भाई, देखो गाड़ी अपनी रेडी और बहुत खतरनाक वाला अभी टाइम है। लाइक क्या टाइम हो रहा है भाई, फोकस पे, 4 बज रहे भाई, तो 4 बज रहे और हम लोग यहाँ से जाने वाले शामिर पेट, बिकॉज हमारा प्लान था जाने का और अभी मेरा ऑफिस से लॉग आउट हुआ है और लॉग आउट होते ही हम लोग जाने वाले हैं और आज का सनराइज जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो। ये आ चुके हैं हम अपने टी ब्रेक पे। दिस रूट अवॉइड्स अ रोड क्लोजर ऑन एट्रियम। गूगल माता पता नहीं कुछ, यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट, यू शुड रीच योर डेस्टिनेशन बाय 5:30। सो गाइस ये आ चुके हैं अपने टी ब्रेक पे और अभी ऑफिस से हम लोग है 30 किलोमीटर दूर एंड यहाँ से अपना डेस्टिनेशन और 10-15 किलोमीटर में पहुँच जाना अपन या उससे कम। तो भाई तुम्हारा भाई फाइनली राइडर गेटर बन गया, चाय वाय पी रहा है। क्या टाइम हो रहा, सुबह के 5 बजे। प्रिपरेशन कम है थोड़ी, क्या हुआ तरह जैकेट वैकेट है बट काम का नहीं है भाई। ठंड जो ठंड लग रही है जंगलों के बीच में, अभी स्ट्रीट लाइट लाइट भी कम है इधर, तो जब थोड़ी लाइट आ जाएगी तो कंटिन्यू करेंगे, तब तक लेट चाय का पियो। तो गाइस अब इसी में कुछ ऐसा है कि हम लोग हैं जस्ट 5-6 मिनट दूर अपने डेस्टिनेशन से और पूरा ओस ही ओस है। लाइक लाइफ में पहली बार तुम्हारा भाई आया राइड करने वो भी ये टाइम से। नीचे से यार वो भाई बार ये तीन बार ये भाई कहाँ कुछ नहीं मार, सब अच्छा लग रहा और अभी क्लैरिटी थोड़ा कम होगा क्योंकि ऐसी होते ऊपर से लाइट नहीं है कुछ नहीं है। तो अभी जहाँ जाना तो आप पहुँच चुकी तक सीन बता दूँ क्या गाड़ी हम चलते। सो गाइस ये हो चुका है सुबह के 6:11 हो रहे हैं और यहाँ अपनी पेगासस खड़ी है भाई साहब। इसको मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, जो हिसाब से मेरे को यहाँ लेके आई ना, प्राउड ऑफ इट। और ये देख लो भाई ये लेक है, क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे है लेकिन देख लो भाई साहब ये जो लेक है अच्छा खासा बड़ा है, देख लो वहाँ तक है लाइक एंड तक। हम लोग यहाँ हाईवे के बगल में, अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे बिकॉज भाई हम लोग को थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है और रास्ते में भाई मेरे को तो मैगी खाने का शौक चढ़ा था, लाइक मैगी मेरे को अभी टारगेट बन गया था राइडर का। चलो तो ये सीन था आज अपना सैटरडे का सीन, ये ऐसा ही था एंड अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, जहाँ पर जाके थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं वहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस ये अभी हो रहा है देखो सनराइज़ और जो हिसाब से हो रहा ना लाइट, मैं मेरे आँखों के सामने इसको ऊपर आते हुए देख रहा हूँ, लाइक आप भी देखो और ये यहाँ का सीन पूरा भाई एक नंबर जगह है यहाँ शमीर पेट। इसका लिंक मैप का लिंक मैं बायो में दे देता हूँ, आओ देखो भाई साहब, घूमो एक्सप्लोर करो और लाइक रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होगा भाई यहाँ के। तो भाई साहब हम लोग वापस निकल गए थे एंड यहाँ पर अभी रेलवे क्रॉसिंग के पास रुके हुए हैं और आज की जो राइड पे मज़ा आया ना, लाइक अगर मेरे पास मोटो ब्लॉक का सेटअप होता तो भाई आपको बताता मैं कि क्या क्या सीन हुए, क्या क्या मतलब तो एडवेंचर हुआ। और भाई आज की ट्रिप तो मेरे को यादगार रहने वाली है और हैदराबाद में इतनी सारी जगह घूमने की वो मेरे को मालूम नहीं था। तो अब हम लोग को ढूंढना है कोई नाश्ता पाने का करने की जगह बिकॉज भूख बहुत लगी है, तो थक गया यार, लाइक थक इसलिए गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हाथ पूरे कांप रहे हैं। तो ट्रेन आ रही है वैसे अभी फ़िलहाल, तो ट्रेन भी देख लो। तो अभी कहीं नाश्ते वास्ते की जगह पे जाके रुकते हैं और वहाँ पर विजिट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं वापस कच्ची बौली एंड यहाँ पर हम लोग ने इधर नाश्ते के लिए बोल दिया है, पूड़ी पूड़ी वूड़ी खाएंगे
और भाई हालत टाइट हो चुकी है पूरी। कितना मैक्सिमम 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा अभी। यहाँ से मेरे को 20 किलोमीटर घर भी जाना है। खा पी के फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। और गाड़ी का भी सही है भाई, पहुँचा भी दी, ला भी दी, और क्या चाहिए। चलो फिर मिलता हूँ निकलने का टाइम। सो गाइस अभी ये कंटिन्यू व्लॉग, और आई मीन सुबह व्लॉग मैंने शायद एंड किया था, एंड नहीं मतलब पॉज किया था, कुछ 8-8:30 बज रहे थे और अभी बज रहे 4:30 आई गेस। सो क्या टाइम हो रहा भाई, 6 बजने वाले। मतलब मैं राइड से आया ना भाई, इतना थका हुआ था, लाइक मेरे को गाड़ी चलाते टाइम नींद आ रही थी, मेरी आंखें ऐसी धीरे धीरे बंद हो रही थी। तो मैं सोचा कि भाई साहब जल्दी घर जाते हैं। घर जैसे ही आया गाड़ी साइड में लगा, उसके बाद फिर मैं सीधा ऊपर भागा घर में जाके। भाई जो सोया ना, लाइक कितना 10-11-12 भाई तुम्हारा, भाई नहीं तो भी 8 घंटे सोया यार। और लिटरली बता रहा हूँ, अब जाके ऐसा लग रहा है कि ओके चलो बैक टू द नॉर्मल। अभी मैं आया हूँ गाड़ी को, सारा गाड़ी की हालत थोड़ी ख़राब है बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ज़रा इसको थोड़ी बहुत क्लीन कर देंगे और इसको वॉशिंग के लिए भी दे देंगे अभी 1-2-3 दिन में। हाँ, तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में मेरे को लग रहा है इतना ही है, बिकॉज ब्लॉग अभी इसको और बड़ा करूँगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि शामिरपेट भाई जो जगह है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैं आपका जाके घूम के आ जाना। लाइक वहाँ पर जाना, और अकेले मत जाओ, किसी दोस्त के साथ जाओ, बिकॉज वहाँ पर जाके तुम अकेले मज़े नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास दोस्त नहीं है। तो सो विद द सेट ऑफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड जिनको नहीं पता ये है मेरी पुरानी जुपिटर भाई बैंड मशीन नाम था इसका। अभी तो फिलहाल कहाँ ही हाथ लग रहा है इसके ऊपर, बट इसकी चाबी लेके आया हूँ, थोड़ा बहुत इसको घुमाना पड़ेगा वरना ये भी खड़े खड़े। ओ तो ये नंबर प्लेट लग गया, स्टार्ट होगी कि नहीं होगी ब्रो ये, बिकॉज इसको स्टार्ट करके मेरे ख्याल से मेरे को तो हफ्ते के ऊपर हो रहा। ओके पेट्रोल कम है, कोई नहीं भरा देंगे। स्टार्ट नहीं हुई, हो गए यार। TVS वालों ने भी क्या चीज़ बनाई है मतलब भाई। चलो विद द सेट ऑफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हिट दैट लाइक बटन, और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। इट्स योर बॉय सदर शो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।